पीएफआई का दिल्ली प्लान फेल हो गया। आज राजधानी में जलसा होना था, भाषणबाजी होनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के रेड सिग्नल से प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में पीएफआई का प्लान धरा का धरा रह गया। अब ना तो बैठक होगी, ना भाषणबाजी और ना ही कोई जमावड़ा। दिल्ली पुलिस के रेड सिग्नल के बाद पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपना तय कार्यक्रम रद्द कर दिया है। पीएफआई ने आज दिल्ली में झंडेवालान के अंबेडकर भवन में अपना कार्यक्रम रखा था, जिसका टाइटल था सेव द रिपब्लिक पीपल कॉन्फ्रेंस। पहाड़गंज के अंबेडकर भवन के इसी जगह पर पीएफआई ने, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 30 जुलाई शनिवार की दोपहर 2:30 बजे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस रखी थी सेव द रिपब्लिक नाम से। लेकिन जैसे ही इस कॉन्फ्रेंस की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस से, विश्व हिंदू परिषद ने लेटर लिखकर दिल्ली पुलिस से इस होने वाली कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए कहा। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की परमिशन पीएफआई को नहीं दी गई है, और उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में पीएफआई का नाम आ रहा है, पीएफआई के लोग पकड़े जा रहे हैं, इसके अलावा ये बात भी निकल करके सामने आ रही है कि किस तरीके से पीएफआई अपना एक एजेंडा लेकर के आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से वो ट्रेनिंग दे रहा है, किस तरीके से जब भीड़ इकट्ठा हो तो वहाँ पर हिंसा हो, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों की जाँच चल रही है, और इस दौरान जो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर नई दिल्ली इलाके में रखी गई थी, उसे दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। पीएफआई संदिग्ध घेरे में, देश भर में हिंसा, नफरत और आतंकी मामलों में पीएफआई के खिलाफ जांच चल रही है। विश्व हिंदू परिषद ने इन्हीं को मुद्दा बनाकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में माहौल बिगाड़ने की आशंका भी जताई। पीएफआई का दिल्ली कनेक्शन भी अच्छा नहीं रहा है। कई मामलों में पीएफआई की भूमिका संदिग्ध रही है। शाहीन बाग आंदोलन से लेकर जहांगीरपुरी दंगे तक के पीछे पीएफआई का नाम आया। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के जलसे को मंजूरी नहीं दी। पिछले कुछ वक्त में देश के अलग अलग हिस्सों में दंगा हुआ हो या हिंसा हुई हो, देश की जांच एजेंसियां कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रोल को जरूर खंगालती हैं, चाहे दिल्ली दंगा क्यों ना हो। और हर कहीं पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एंट्री नजर आ जाती है। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां पीएफआई के रोल को अच्छी तरह खंगाल रही हैं और ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि पीएफआई किस तरीके से लोगों को भड़का रही है, किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दे रही है और उसका मेन इरादा क्या है। पीएफआई संदिग्ध है, जांच के घेरे में, लेकिन पाबंदी नहीं है। लेकिन पीएफआई खुद को सामाजिक संस्था मानती है, जो गरीबों को शिक्षा मुहैया कराती है, कानूनी सहायता देती है। We would like to make it clear that in a democratic system, the only model that can work is the constitutional model. Only those people who don't believe in the constitutional model will talk about such unconstitutional models which are originated by the BJP and the RSS. So we would like to make it clear that at a time when the chief minister should promote peace and harmony, he should not try to create more division in the society. अब सवाल ये भी है कि अगर PFI खतरनाक है, वो देश के लिए खतरा है, तो ये संगठन काम कैसे कर रहा है, उस पर एक्शन क्यों नहीं है, उस पर रोक क्यों नहीं है। झारखंड को छोड़कर किसी भी राज्य में पीएफआई पर पाबंदी नहीं है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।